जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि पिछले वीडियो का बाकी रह गया था। तो चलिए आज उसी के आगे से हम लोग हल करते हैं। तो चलिए बिना वीडियो को समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस कर सकते हैं? तो निम्नलिखित में से ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनके चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सतीश गुजराल जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, मैड आफ्टर वीड़ा वीड़ा के प्रति सम्मोहित किसका प्रसिद्ध चित्र है? मित्र, वीड़ा के प्रति सम्मोहित चित्र है ये किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी के वैकटप्पा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्न में से किस पूरा स्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी लहुरा देवा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, सारनाथ सिंह शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रदर्शित नहीं है? देखिए, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है मित्र, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी व्याघ्र। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 है, मिथ एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मित्र, आपको बताना है, जो मिथ एंड सिविल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक है, वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके लिखी गई है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हेनरिक जीमर द्वारा। ठीक है, हेनरिक जीमर द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मीरा मुखर्जी का मूर्ति शिल्प स्पिरिट ऑफ डेली वर्क कांस्य माध्यम में कहाँ सुरक्षित है? तो ये जो मीरा मुखर्जी का मूर्ति शिल्प है, स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, वो कहाँ पे सुरक्षित है आपको बताना है। तो मित्र, जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। तो ये जो कलाकार हैं, इनका नाम है सुधीर पटवर्धन। ठीक है, सुधीर पटवर्धन जी जो है मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम भी किया करते थे। ठीक है, आइए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? तो मित्र, जो फिरका पेंटिंग का संबंध है वो किस चित्र शैली से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अवध हाई स्कूल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? तो आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था मित्र? तो वो हुआ था आपका दूसरी शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? तो आपको बताना है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चित्र है जिसे राजा रवि वर्मा ने चित्रित नहीं किया है मित्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ब्रह्मचारी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, ताल पोथी चित्र पंच विमसती सहर्षिका का चित्रण हुआ है। तो ये जो पंच विमसती सहर्षिका का चित्रण हुआ है मित्र, वो किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है आपका पाल शैली में। ठीक है, देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देवासरो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इसमें से किस कला का स्वरूप से प्रभावित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फारसी कला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है, किस स्मारक को जम्बू द्वीप
उत्तमम कहा गया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्मारक है जिन्हें जम्बो द्वीप ही उत्तमम कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सांची का महास्तूप। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जल कुमुदनी का चित्रण जो है उसे किसने किया था। तो वो किए थे मित्र आपके ए रामचंद्रन जी। ठीक है, ए तो वो किए थे मित्र आपके ए रामचंद्रन जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, इनाम गांव पूरा स्थल महाराष्ट्र का संबंध है। तो जो इनाम गांव है पूरा स्थल, ये महाराष्ट्र का जो पड़ता है का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जोवे संस्कृति। ठीक है, आइए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, अशोक अपने अभिलेख के किस वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। तो वो गए थे मित्र आपके 20वें वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। तो आपको बताना है जो संगीत रत्नाकर हैं उसके लेखक कौन है मित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सारंगदेव। ठीक है, संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वो आपके हैं सारंगदेव जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, चंदेल से संबंधित मंदिर है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मंदिर है जिन्हें चंदेल शासकों ने बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कंदरिया का महादेव मंदिर। देखिए मित्र ये कंदरिया का जो महादेव मंदिर है वो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो किस जगह पे हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, थानका का अर्थ क्या है। निम्नलिखित में से मित्र आपको बताना है थानका का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानी मंदिर की पताकाएं बैनर्स। ठीक है, देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी उदयगिरी। ठीक है, आइए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, कैसियस पनिकर इनके चित्रकार थे। तो आपको बताना है जो कैसियस पनिकर जी थे वो किस समूह के चित्रकार हैं मित्र। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी चोलमंडलम कलाकार समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो भागवत पुराण जो है वो निम्नलिखित में से किनकी कहानी है मित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कृष्ण। जो भागवत पुराण है मित्र वो कृष्ण भगवान की कहानी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी एक द्विआयामी शैली का उद्भव किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कैसियस पनिकर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो जैन धर्म के संरक्षक थे। तो जो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी खारवेल। ठीक है, आइए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद अपने किस संग्रह के लिए जाना जाता है। जो कैलिको संग्रहालय है जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, वो
अपने किस संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी वस्त्र। ठीक है, आइए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा मित्र। देखिए कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनेस्को का मुख्य कार्यालय है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी पेरिस। ठीक है, तो मित्र इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मित्र, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।